सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है प्रमिला ध्यानी। वेलकम दोस्तों। आज मैं सोच रही थी कि बीच बीच में ऐसे कुछ क्लिप्स डाल दिया करूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताने चाहिए। मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ रोज़मर्रा में, कुछ रियलाइज करती रहती हूँ, यार ये सही बात है, वो वाली बात सही है, यार ये कितनी सही बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ वो बातें जो मुझे लगता है मेरी लाइफ को और बढ़िया बनाती है, मेरी सोच को और खुला हुआ बनाती है और मेरे लाइफ में ऐड करती है अच्छा अच्छी तरफ को, तो मैं वो ज़रूर बताऊंगी। क्या बात है। एक मिनट ज़रा सीन चेंज करूँ क्योंकि थोड़ा व्लॉग में सीन चेंज होते रहना चाहिए। तो आया इतनी धूप, ये कौन सा सीन चेंज है। लेट्स गो इनसाइड। सो जब से मैंने ये जो बात है वो जानी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, तो मुझे ऐसा लगता था यार जब भी मैं सोचती थी यार ये बात सबको पता होनी चाहिए, यार ये बात मतलब क्यों नहीं स्कूलों में सिखाई जाती, क्यों नहीं हमें बताई जाती। और पहली बात तो जो मैं माइंडसेट बता रही हूँ कोई बहुत नया माइंडसेट नहीं है। अब जहाँ कहीं किसी से भी ये कोट एक तरह से हर जगह यूज़ होता है, हर कोई यही कहता है कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। चाहे वो खुशी है, चाहे वो दुख है, चाहे वो जेलसी है, चाहे हेट है, चाहे दया है, चाहे प्यार है, ये सब के सब हमारे अंदर होता है। और क्योंकि ये हमारे अंदर होता है इसका कंट्रोल भी पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। मतलब किसी मोमेंट में मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ, मैं जेलस हूँ, सब मेरे हाथ में है। बाहर की सिचुएशंस बदलती रहती हैं, इवन किसी एक चीज़ को लेकर ही कोई दुखी हो जाता है और उसी चीज़ को लेकर कोई खुश भी हो सकता है। ये बहुत क्लियर बात है कि क्योंकि हमारे अंदर होता है इस पर सिर्फ हमारा हक है। हम चाहें तो अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा बना के रख सकते हैं, हम चाहें तो उसको एकदम ख़राब और नेगेटिविटी से भरा बना सकते हैं। क्या बात है। जब मेरी लाइफ में पहली बार ये थॉट आया कुछ सालों पहले, मैंने एक कोट पढ़ा इसके बारे में जाना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है बट कंट्रोल कैसे करें। और अब आई नो ये सबको पता है बात और सबने हज़ार बार ये बात सुन ली है कि यार यस ये हमारी चॉइस है, हमारा इनर एक्सपीरियंस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हमारे अपने अंदर का एनवायरनमेंट कैसे रखें, बट ये करना कैसे है। मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी इस थॉट के साथ, इस आइडिया के साथ अपने ऊपर काम करते हुए। सो बेसिकली होता क्या है, अगर आपको अपने इमोशंस चेंज करने हैं, अपने अंदर का चेंज करना, सबसे पहले आपको अपना माइंड चेंज करना पड़ता है। अगर आपका माइंड चेंज होगा, आपके थॉट चेंज होंगे, तो आपके इमोशन भी चेंज होते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम किसी को मेंटली पसंद नहीं करते, हट ये गंदा आदमी, इसने ऐसा किया था, इसने गलत किया था, तो हमारे इमोशन भी उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। जब भी वो बंदा हमें दिखता है हमें गंदा ही फील हो रहा होता है। और कोई अच्छा अगर होता है, हमारी सोच अच्छी है उसके लिए, तो हमारे अंदर की फीलिंग भी अच्छी अच्छी आती है। सो अपने अंदर को चेंज करने के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने थॉट्स चेंज करना। क्या बात है। इसीलिए अपने आप को टाइम टू टाइम ये याद दिलाते रहना बहुत ज़रूरी है कि हम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा बुरा खुशी दुख जो भी है, ये हमारे अंदर हो रहा है, हमारी चॉइस है। क्या मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसे रहना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे ये चेंज करना है। दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको बहुत गंदा फील हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है, आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो उसके लिए, वहीं ठहर जाओ और अपने साथ अकेले में बैठ के सोचो कि मेरी खुशी मेरे दुख के लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। उसने भले ही कुछ एक्शन लिए, उसने भले ही कुछ ऐसा काम किया, उसने कुछ भी किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहूँ तो अपने अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा रख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो बकवास रख सकती हूँ, मेरे ऊपर है। किसी को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। और हमेशा ये याद रखना, अपनी ज़ुबान में जिप लगा लो जब ये शब्द आए ना बाहर की इसकी वजह से मैं ऐसी हूँ, उसने ऐसा किया था, वो बहुत बेकार है, मेरा सब खराब हो गया, ये हो गया, हर्ट कर दिया, अब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इन शब्दों को ना थोड़ा पीछे लो और यही बोलो कि ठीक है उसने ऐसा किया है, ठीक है मुझे फील हो रहा है, ठीक है मेरा कंट्रोल भी नहीं अपने इमोशन पर अभी, बट इसकी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ, ये मैं ही चेंज कर सकती हूँ और ये चॉइस है। क्योंकि पता क्या होता है, जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं ना अपनी प्रॉब्लम के लिए, किसी और पे उंगली उठाते हैं या उसको बोलते रहते हैं या उसको ताने देते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंज नहीं होता, ना हमारे वो इमोशन चेंज होते, ना हमारा कुछ भला होता, घूमते रहते गोल 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 गोल, इसने उसने, और कोई सोल्यूशन लाइफ में निकलता ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं सोल्यूशन भाई। जब अपने अंदर हो रहा है तो खुद ही को सोल्यूशन निकालना है ना, खुद ही को चेंज करना, और लोग क्या करेंगे। तो दूसरों पे वो करने से अच्छा है कि अपने अंदर चेंज करो। और अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इस चीज़ का,
कि लाइफ में कोई चीज़ परेशान ना करे, कोई चीज़ तंग ना करे, कोई कितनी भी मुसीबत आ जाए बट फिर भी अंदर एक पीस हो, अंदर एक आराम हो, एक खुशी हो, तो फिर ये बात माननी ही पड़ेगी। क्या बात है। और ये बहुत बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने इतने टाइम में रियलाइज़ किया कि कुछ भी हो जाए, अरे हंसो, गाओ, चिढ़ाओ, नेगेटिव बोलो, कुछ भी करो, हम यहाँ से चेंज नहीं होने वाले, हमारे अंदर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपका मुंह ख़राब हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, हमको नहीं हो रही है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ। मैं भी कोई, पहली बात तो 100% ऐसा फील नहीं करती, कुछ चीज़ें मुझे भी बॉदर करती है क्योंकि मैं भी जर्नी पे ही चल रही हूँ। मैं खुद भी जब कभी ऐसा होता है तो खुद को ये रिमाइंड कराती हूँ बात, बट मैंने ये देखा है कि मैं बहुत, क्योंकि इतने टाइम से इस बात को फॉलो कर रही हूँ, बार बार अपने आप को रिमाइंड करवा रही हूँ, मुझे इसका फ़ायदा दिखता है। बहुत बार मैं बहुत चीज़ों से परेशान नहीं होती, मेरे आगे कोई कुछ भी करता है, मुझे कई लोग कितनी सारी बातें बोलते हैं, कितनी नेगेटिविटी दिखाते हैं, बट मैं उस टाइम यही सोचती हूँ कि वो उस बंदे का काम है, उसकी नेगेटिविटी उसका वो दिखा रहा है, मेरे को उसको अपने अंदर नहीं लाने देना, अंदर जो मेरी स्थिति है उसको छूने नहीं देना, वो अच्छी रहेगी और वो मैं चूज़ करती हूँ। सो थोड़ा नीचे बैठ जाते हैं। ये पीछे क्या रखा हुआ है? अच्छा, लैपटॉप ही तो है। सो एक बड़ा सुंदर सा कोट है, लाइन है, जो मैं इस बुक्स के अंदर से बताना चाहूँगी। ये बुक है द योग सूत्र ऑफ पतंजलि, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। तो ये पतंजलि बाबा रामदेव वाली बुक नहीं है, पतंजलि एक योगी हुआ करते थे जिन्होंने योगा के बारे में बहुत कुछ बताया था, और उसी की ये किताब है, और उसमें से ही मैं एक लाइन पढ़ के बताना चाहती हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें लिखा है कि हैप्पीनेस इज लाइक अ मस्क डियर। मस्क डियर एक टाइप का डियर होता है। दिस एनिमल हैज अ सेंटेड स्पॉट अबव इट्स फॉरहेड दैट गिव्स ऑफ द मस्क फ्रेग्रेंस। ये जो मस्क डियर होता है, इसके माथे पे एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ से मस्क की फ्रेग्रेंस निकलती है। दिस डियर रन्स हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ द सेंट, नॉट नोइंग द सेंट कम्स फ्रॉम इट्स ओन फॉरहेड। ये जो डियर होता है इधर उधर उस स्मेल को खोजने के लिए भागता रहता है, ढूंढने के लिए कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, बिना जाने कि ये स्मेल, ये सेंट उसके माथे से ही आ रही है और उसके अंदर से ही आ रही है। सो यही केस हम लोगों के साथ भी है कि हम हैप्पीनेस को यहाँ वहाँ उधर उधर ढूंढने जाते हैं और यही भूल जाते हैं कि हैप्पीनेस हमारे अंदर से ही आती है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताना, थम्स अप देके भी बताना, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और अपने विचार व्यक्त करो कमेंट सेक्शन में। मुझे विचार जानने हैं, मुझे बहुत कुछ जानना है, मुझे और जानना है, और मुझे बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाओ, मतलब नमस्कार। मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं जब सब्सक्राइब की बात आती है तो मैं, मेरा एकदम अच्छा व्यवहार निकलता है। ये बता दे कि तेरी खुशी और तेरे दुख का जिम्मेदार कौन है? तू है, हैं?